से प्यार की बात करने वाली सीमा हैदर के कितने राज हैं, सीमा हैदर के कितने राजदार हैं, ये बात अब भी एक पहेली बनी हुई है। लेकिन सीमा हैदर एक शातिर महिला है, इस बात के पुख्ता सबूत अब जांच एजेंसी को मिलने लगे हैं। अभी तक की पूछताछ में सीमा हैदर के पाकिस्तानी एजेंसी का जासूस होने के सबूत मिल रहे हैं। 3 दिन एटीएस ने लगातार सीमा हैदर से पूछताछ की है। पूछताछ में सीमा हैदर का गोल मटोल जवाब देना बताता है कि वो प्यार का नाटक कर हनी ट्रैप का जाल रच रही थी। केंद्रीय एजेंसी की जांच में जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले हैं। जांच में पाया गया कि सीमा के निशाने पर सिर्फ सचिन मीना नहीं था। सीमा हैदर ने सचिन से पहले कई सेना के अधिकारियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। सीमा ने पुलिस कर्मचारियों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। सीमा ने दिल्ली एनसीआर के रहने वाले लोगों को भी रिक्वेस्ट भेजी। सवाल है कि सीमा के निशाने पर कौन कौन लोग थे, सेना के वो कौन अधिकारी थे जिन्हें सीमा अपना शिकार बनाना चाहती थी। क्या सीमा का मकसद हनी ट्रैप के केस में फंसाकर देश की खुफिया जानकारी को ISI तक पहुंचाना था। एटीएस ने सीमा हैदर से इस बारे में सवाल किया। एटीएस ने पूछा कि फौजियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती थी, तो सीमा का जवाब था कि उसके ज्यादातर अकाउंट फर्जी हैं, उसे याद भी नहीं कि किस किस को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। जांच एजेंसी ने सीमा से अब तक जो पूछताछ की उसके मुताबिक सीमा बहुत शातिर महिला है। सीमा से कोई भी राज निकलवाना आसान नहीं है। आपको बताते हैं कि सीमा से अब तक की पूछताछ में कौन से राज पता चले हैं। जांच एजेंसी को शक है कि सीमा को भारत में दाखिल करवाया गया है। एक गुप्त व्यक्ति ने सीमा की मदद की है। आने से पहले सीमा को पूरी ट्रेनिंग दी गई। सीमा को भारतीय कपड़े पहनना सिखाया गया, जिससे सीमा बिल्कुल ग्रामीण भारतीय महिला दिखे। सीमा के मेकओवर में प्रोफेशनल लोगों ने मदद की। सुरक्षा कर्मियों को चकमा देने की भी ट्रेनिंग मिली। बच्चों को भी भारतीय तरीके से ड्रेसअप किया गया। इस तरह की ट्रेनिंग नेपाल में पाकिस्तानी हैंडलर देते हैं। सीमा हैदर के नेपाल से होकर बिहार के सीतामढ़ी के भारत नेपाल सीमा से भारत में घुसने की बात सामने आ रही है। हमने सीतामढ़ी के भिट्टा मोड़ में भारत नेपाल बॉर्डर पर पड़ताल की, तो नेपाल के रास्ते भारत में घुसना कितना आसान है। क्या सीमा हैदर ने इसी रास्ते का फायदा उठाकर भारत में एंट्री की? लगभग 600 किलोमीटर का ये पूरा बॉर्डर है जो कि बिहार से सटा हुआ है, नेपाल का ये बॉर्डर। और इस बॉर्डर से कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इससे पहले भी इस तरह की गतिविधि यहाँ पर देखने को मिली है, जब कई आतंकवादी भी इस इलाके से होते हुए आराम से यहाँ पर पहुँच कर यहाँ पर इस इलाके से क्रॉस कर जाते हैं। तो ये तस्वीर पहले भी दिखी है। तो ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि इस पर क्या कुछ सामने आता है, क्या कुछ रिपोर्ट में सामने आता है, ये देखना होगा। अब जांच एजेंसी नेपाल में उन हैंडलर्स की तलाश कर रही है जो महिलाओं को ऐसी ट्रेनिंग देते हैं। सीमा को ट्रेनिंग देने वाला हैंडलर पकड़ा जाता है तो बड़ा खुलासा हो सकता है। सीमा हैदर पर हो रहे खुलासों के बाद भारत में उसके खिलाफ विरोध तेज हो गया है। कल ग्रेटर नोएडा में हिंदू संगठनों ने विरोध किया तो समाजवादी पार्टी के सांसद ST हसन ने जासूसी और लफ्जियात के एंगल से जांच करने की मांग उठाई है। देखिए, जो सीमा आई, हमने पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं कि इसके 3 एंगल हैं। एक तो ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने इसे इम्प्लांट किया हो, और ये जासूस क्या नहीं करते हैं, कैसे कैसे हनी ट्रैप बनाते हैं, कैसे कैसे जिस्मानी ताल्लुक पैदा करके राज उगलवाते हैं, पैसा भी देते हैं। दूसरा वही है कि लव जिहाद का मसला हो। अब यहाँ पे तो आप लोग भी खामोश हैं इस लव जिहाद का नाम सुनते ही। ऐसे में सवाल है कि क्या सीमा हैदर ISI का मोहरा है? सीमा के टारगेट पर भारत में कौन कौन से लोग थे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो आखिर सीमा के मन का राज क्या है? सीमा के कितने राजदार हैं? सीमा किस मंशा से हिंदुस्तान आई? क्या सचिन और सीमा जिस तरह से अपनी प्रेम कहानी को रच रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो मात्र एक जरिया है और वो दिखाने के लिए एक पिक्चर है, लेकिन उसकी असली कहानी क्या है, उसकी पटकथा आखिर किसने लिखी, ये कोई और बात है। यही बात हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में जो खास मेहमान मौजूद हैं, आपको मिलवा देती हूँ। रिटायर्ड मेजर जनरल AK शिवाजी मेरे साथ में एज ए डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। रिटायर्ड कर्नल RSN सिंह साहब मेरे साथ में जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ तौर पर। पूर्व DGP AK जैन साहब मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, और जासूस पेशे से हैं संजीव देसवाल जी, वो भी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।
स्वागत है इस चर्चा में। पहला सवाल एके सिवाज साहब आप ही से जानना चाह रही हूं मैं, 25 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हुई, 3 घंटे लगा, 3 दिन से लगातार हमने देखा है कि यूपी एटीएस हो या तमाम जो एजेंसीज हैं वो लगातार जांच कर रही हैं, और इस बीच कई ऐसी बातें सामने आई जो हैरान कर देती हैं। क्या लगता है कि आखिर जो कहानी दिखाने की कोशिश सीमा हैदर कर रही है उसके पीछे की जो बड़ी पिक्चर है वो कुछ और है? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है नैना, इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से अब चीजें खुल के आ रही हैं कि जो ये आई है सीमा, ये एक प्रकार से टूज है, इसको आईएसआई ने भेजा है, इसको वेल ट्रेन करके भेजा है, इसके पीछे काफी फैसिलिटेटर हैं, ओवर ग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल हैं, नेपाल में इसको ट्रेनिंग दी गई है, नेपाल में इसके डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं, और जिस प्रकार से इसके भाई और चाचा फौज के अंदर हैं, जिस प्रकार से इसका चाल नेपाल चल रहा है, का कनेक्शन क्या आप मानते हैं? आप नेपाल का भी, आप भी जिक्र कर रहे हैं, नेपाल में लंबे वक्त तक तो रही, लेकिन नेपाल किस तरह से जरिया बना सकता है पाकिस्तान या आईएसआई? देखो हो क्या रहा है कि आज की तारीख में नेपाल जो है गढ़ बन गया आईएसआई का, और ज्यादातर भारत के अंदर फेक करेंसी, ड्रग्स और आपको आम जन अम्यूनिशन जो भेजे जाते हैं, और स्पेशली इंक्लूडिंग आपके जो टेररिस्ट हैं वो नेपाल के रूप से आते हैं, और वहां पर एक इनका बहुत बड़ा सेल है आईएसआई का, वो ट्रेन करता है, वो फैसिलिटेट करता है इनका मूव नेपाल से लेके भारत में, फिर इसके स्लीपर सेल और जो ओजीडब्ल्यू है वो टेक ओवर कर लेते हैं, भारत में मॉड्यूल है, और ये मुझे लगता है एक मॉड्यूल बन के आई थी, मगर सच्चाई ये है कि इतनी ट्रेन करके भेजा, इसके ऊपर शक करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसको सारे हिंदू के तरीके पता है, ड्रेस होने का तरीका है, यही तो बात है सर, यही बात है जो और भी ज्यादा शक गहरा देता है। आरएसएन सिंह साहब, शक आखिर क्यों ना हो, जिस तरह से पहनावा है, बोलचाल है, बॉडी लैंग्वेज है, और हिंदू रीति रिवाजों से इतने जल्दी घुलना मिलना, बल्कि मुझे लगता है कि अगर कोई दूसरे क्षेत्र का व्यक्ति कहीं और एक किसी इलाके में जाता है तो उस कल्चर में रचने बसने में भी वक्त लगता है, लेकिन जो हम देखते हैं सीमा हैदर को ऐसा लगता है कि भाई वो तो शायद हिंदुस्तान की परंपराओं को बखूबी जानती है, सर को ढकना कैसा है, किसी के चरण स्पर्श कैसे करना है, पूजा पाठ कैसे करनी है, ये शक पैदा नहीं करता तो सर और क्या होगा? देखिए पहली बात कि आपने जो बिट्ठा मोड़ को दिखाया, मैं जब अपनी किताब लिख रहा था द मेकिंग ऑफ नेपाल, तो मैंने यही रूट लिया था, बिट्ठा मोड़ से मेरी यात्रा शुरू हुई थी और पूरा नेपाल में घूमा, और फिर मैं पोखरा गया था, पोखरा में भी ये सीमा हैदर रही थी। मैंने बीरगंज में इंडियन एम्बेसी के पास में, मुझे लोगों ने दिखाया कौन सी दुकानें हैं जो पूरा आईएसआई द्वारा संचालित है, एक बहुत बड़ा गढ़ है वहां पे, जैसा कि कहा जनरल साहब ने आईएसआई का, आपको मालूम है कि एक पीआईए की एयरक्राफ्ट काठमांडू से लेके इस्लामाबाद चलती थी, जिसमें गिने चुने 15 आदमी होते थे जी। लेकिन उसका कैपेसिटी जो था 90 से ज्यादा था या 100 से ज्यादा था, तो आप कोई लॉस में तो यूं ही नहीं ऑपरेट करेगा, तो ये सब हमको मालूम। हाँ ये एक पहलू मैं बता रहा हूँ। दूसरा, जहां हिंदू रीति रिवाज की बात की, तो याद रखिएगा कि 26/11 के पहले भी उनको हिंदी सिखाई गई थी, उनको तमाम जो हिंदू के जो कस्टम्स है वो सारे कुछ उनको ट्रेनिंग दी गई थी, उनके नाम बदल दिए गए थे, वो तो कसाब पकड़ा गया तो सारा कुछ वो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन अगर नहीं पकड़ा जाता तो आपको मालूम है किस तरह से हिंदू टेरर बनाया जाता। लेकिन एक बात और जो पूछताछ में और जो जांच में सामने आई वो भी बड़ी चौंकाती है, क्योंकि सचिन के पहले कई पुलिस अधिकारियों को, सचिन के पहले कई सेना से जुड़े हुए अधिकारियों को, कर्मचारियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, ये तो एक तरह से हनी ट्रैप के तरीके को, उस पैटर्न को दर्शाता है सर। आज कोई पाकिस्तानी नहीं है पैनल में, इसलिए मैं आज खुल के आपको बोल रहा हूँ जी, ये पूरी प्रक्रिया जो है ये शुरू हुई थी कोरोना काल में। कोरोना काल में जब इन्फिल्ट्रेशन थोड़ा मुश्किल हो गया था, तब उन्होंने ये हनी ट्रैप का, या इसको हनी ट्रैप जिहाद का की शुरुआत हुई जी। और कई लोग सेना में, बाकी सरकारी संस्थानों में हनी ट्रैप में फंस चुके हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, वो छोटे टुकड़ों में वो अखबारों में आती है, तो आप उस शायद हम लोग उसका पूरा आंकलन नहीं कर पाते हैं, लेकिन
कई लोग इस जाल में फंस चुके हैं। बहुत सारी सीमा जो है जी। क्या बोले उसको, सीमा का प्लूरल जो होगा सीमाएं, बहुत सारे सीमाएं वहां पे है अभी पाकिस्तान में। ये एक नए तरह का जिहाद है, और ये मत कहिएगा कि इस्लामिक दुनिया में इसका इस्तेमाल नहीं होता। इस्लामिक दुनिया में सब कुछ होता है, बच्चाबाजी भी होता है, बच्चों को सुसाइड बॉम्बर भी बनाया जाता है। जो हिंदुस्तान के तरफ, और हिंदुस्तान नहीं, हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और ये जो जितनी महिलाएं जो मैंने देखी है हनी ट्रैप की, ये सिर्फ एक बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं आरएसएन सिंह साहब ये, क्योंकि एक पैटर्न नजर आ रहा है जो अभी तक इस्लामिक कंट्रीज में तो नजर आ रहा था, और बढ़ती भारत की जो तस्वीर है पूरी दुनिया में उसको लेकर पाकिस्तान किस तरह से खार खाए ये भी है। लेकिन एक प्रेम कहानी बताते हुए किसी बॉर्डर को क्रॉस करते हुए एके जैन साहब हिंदुस्तान में आ जाना क्या इतना आसान होता है? और बाकायदा उसके बाद में और ये समझिए कि 2 महीने तक लंबा वक्त अगर बिताती है सीमा उत्तर प्रदेश में किसी एक जगह पर, किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगती। पोखरा से आती है नेपाल बॉर्डर पे, नेपाल बॉर्डर से वो आ जाती है बिहार के अंदर, प्रवेश कर जाती है, तब भी क्या इतना इजी है आना? क्या अपने लेवल पर एक किसी साधारण महिला का आना संभव है? क्यों नहीं संभव है, बहुत बड़ी संख्या में रोहिंग्या महिलाएं, बांग्लादेशी महिलाएं परिवारों के साथ अकेले भी देश में एंटर की हैं, उन्होंने जगह जगह निकाह कर रखे हैं, उनके बच्चे भी यहाँ पर हो गए हैं, और सबका कोई ब्योरा अवेलेबल नहीं है। जो नेपाल का बॉर्डर है ये बिल्कुल पोरस बॉर्डर है, मैं गया हूँ वहां पे, मैं उस क्षेत्र का आईजी रहा हूँ, तो रिक्शों में बड़ी संख्या में आवागमन हो रहा है, कोई नमक लेके जा रहा है, कोई सीमेंट लेके जा रहा है, कोई दवाइयां लेके जा रहा है। तो सर क्या सर ऐसे तो कितना इजी ये पूरा गेटवे बन चुका है, तो क्या इसका कोई लेखा जोखा नहीं होता, इस पे कोई फिल्टर नहीं होता कि किस तरह के लोग यहाँ पर आएंगे, और अगर आएंगे, अगर उनका रेगुलर बेसिस पे आना जाना है तो कुछ तो एक जांच का दायरा होता होगा सर इनका? नहीं, वो किया जाना चाहिए, ये एक सेंसिटिव इशू है इंडिया और नेपाल के बीच में, इस पे कोई एक डिसीजन होना चाहिए कि भविष्य के लिए क्या रूपरेखा बनेगी, किस तरीके से चेकिंग होगी और किस तरीके से पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होगा उसमें। जो तो सिक्योरिटी फोर्सेस को डायरेक्शन देने की बात है, जहां डायरेक्शन दी है फोर्स की, आपने संख्या बढ़ाई, वहां 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 सख्ती शुरू हो जाएगी, वहां सख्ती शुरू हो जाएगी, और वहां फिर बिना इस तरीके के, ये नेपाल बहुत दिनों से एक हब बन रहा है इस प्रकार की। लेकिन एके जैन साहब, जब जो पूछताछ में जांच में जो बातें सामने आई हैं, मैं आरएसएन सिंह साहब या एके सिवाच का रुख करूं, लेकिन उसके पहले एक बात जरूर आप बताइए कि जिस तरह से सीमा ने कई लोगों को अप्रोच किया, सचिन एकमात्र व्यक्ति नहीं है जिससे सीमा को प्यार हुआ, और ये सीमा बता रही है कि भाई वो 7 समंदर पार करते हुए सिर्फ सचिन के लिए आई है। दिल्ली एनसीआर के कई और लड़कों से अप्रोच किया, सेना के कई अधिकारियों को अप्रोच किया, पुलिस के कई अधिकारियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है सीमा ने, और उसी पहचान के साथ। ज्ञान नहीं है किस किस को भेजा है जी, भेजा है तो ये सस्पिशियस है और उसकी जांच होनी चाहिए, और एटीएस, एनआईए, आईबी वगैरह इन सब पहलुओं की जांच कर रही है, और जांच मेरे ख्याल से जारी रखनी चाहिए। इसके ऊपर एक कड़ी निगरानी की आवश्यकता है, आवश्यकता पड़े फोन सर्विलांस पे लिए जाने चाहिए। वैसे ये इतना एक्सपोज हो गया है इसका चेहरा मोरा पूरे कंट्री में, कि मुझे नहीं लगता कि ये किसी स्पाइंग के पर्पस से कोई इसका अब उपयोग रह जाता है। और सर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, क्योंकि अगर कोई जासूस है, स्लीपर सेल की तरह वर्क कर रहा है, अपनी पहचान क्यों, और वो बार बार गा गा कर क्यों बताएगा कि भाई मैं पाकिस्तान से आई हूँ, या पाकिस्तान से यहाँ पे मेरे संपर्क में इस तरह से हम लोग कनेक्ट हुए? इसका जवाब आरएसएन सिंह साहब दे रहे हैं जी। 4 बच्चे लेकर आई है जी सर, 4 बच्चे लेकर। सचिन कोई ऐसे पद पर नहीं है कि वो कोई डिफेंस के सीक्रेट्स या कोई नेशनल सीक्रेट्स डाइवर्ज कर सकता है, कई ऐसे पहलू हैं। सर यही तो बात कई बार शक का दायरा बढ़ा देते। मैं संजीव जी आपका रुख करूंगी एक सवाल के साथ। आरएसएन सिंह साहब आप कुछ कह रहे थे कि जिस तरह से एक्सपोज हो चुकी है अब सीमा, आखिर किस तरह से उसने अपनी बात यहाँ पे रखी है? मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इसका जो लक्ष्य है वो बहुत कोई बहुत बड़ा लक्ष्य है, और वो एक मेरे नजरिए से ये है यहाँ के पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करना,
सीएए के ऊपर में सवाल खड़ा करना कि भाई आप कहेंगे कि एक हिंदू महिला आई यहाँ पर और आपने उसको, आप तो कहे थे कि हिंदू धर्म अपना लिया आपने सीए में, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो इलेक्शंस के पहले जैसे 26/11 किया गया था ये, अब हुआ क्या है इसमें कि मीडिया के सजगता के कारण और ये जितने बेकूफ लोग जो बोलते हैं मैं टीवी नहीं देखता और न्यूज नहीं देखता हूँ, जैसे उनको कोई भी इन्विटेशन देख रहे, अगर आज ये मीडिया नहीं होती तो ये इस तरह से एक्सपोज नहीं होती। बिल्कुल सही बात, ये केवल सिर्फ 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 ये टेलीविजन मीडिया का के कारण ये एक्सपोजर हुआ है और ये डिबेट्स के कारण इसका एक्सपोजर। और सर यही बात है कि इतनी बातें जो सामने आई हैं, हमने देखा पाकिस्तान से भी, चाहे वो चाहे जहां पे सीमा रहती थी वहां से जुड़े हुए लोग, वो किराएदार या फिर गुलाम हैदर जो सीमा हैदर का पति है, उसने इस तरह की बातें कही है। संजीव देसवाल जी, गुलाम हैदर ने इस बीच कई बड़े खुलासे किए टाइम्स ऑन अबारे से बातचीत में, उन्होंने कहा कि सीमा जो अभी नजर आ रही है वो सीमा नहीं है, दरअसल सीमा का जो हाव भाव है, जो बोलचाल है, जो फ्लुएंसी है हिंदी बोलने की, ये सारी चीजें बदल चुकी हैं, वो पहली ऐसी नहीं थी। आखिर इसे किस एंगल से देखा जाए सर? मैं आपके सवाल पे आने से पहले कुछ कहना चाहूंगा, उसके लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए होगा जी। होता क्या है कि इंटरनेशनल स्पाई जो होते हैं उनकी क्रोनोलॉजी को समझो, उनके तीन फेस होते हैं। पहला फेस ये होता है कि आपने देश में फेक आईडी फेक आइडेंटिटी के द्वारा आना है, अंदर आना है, सीमा ने इसको पार किया, सीमा फेक आईडी के साथ या कैसे भी अपनी आइडेंटिटी बदल कर हमारे देश के अंदर आ गई, वो उसका पहला फेस था। दूसरा फेस क्या होता है स्पाई का, कि जिस जगह आना है वहां के लोगों में एक विश्वास जताना है, वहां की सोसाइटी में एडजस्ट होना है, वहां के लोगों के अंदर विश्वास पैदा करना है, वहां के नीति रिवाजों को अपनाना है, उसमें भी वो पास हुई, उसमें भी उस स्पाई ने अपना पूरा काम किया और हमारे देश के कई लोगों को, हिंदू संगठनों को, वहां के आसपास के लोगों को उसने अपने विश्वास में ले लिया जी। अब बात आती है आखिरी फेज की, हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। देखिए ये विश्वास बनाने में एक समय लगता है, इंफॉर्मेशन गैदर करना तो बहुत दूर की बात है, उसको उसके लिए टाइम चाहिए था। अब बात आती है कि सर्कमस्टेंस और एविडेंस, हमारे पास सीमा हैदर के खिलाफ बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस एविडेंसेस हैं, चाहे उसके अंदर उसकी कहते हैं जो चैटिंग्स हो, उसने चाहे पुलिस ऑफिसर्स आर्मी ऑफिसर्स को कहते हैं चैट करके कहते हैं हनी ट्रैप करने की कोशिश की हो, चाहे किसी और लोगों को कोशिश की हो, चाहे उसके पास ज्यादा से ज्यादा मोबाइल मिले हो, ये सारे सर्कमस्टेंसेस हैं, चाहे उस मोबाइल की रिकॉर्डिंग के अंदर या चैटिंग के अंदर फल फूफी जैसे कोडों का यूज हो, ये भी सर्कमस्टेंसेस हैं। लेकिन आज हमारे पास कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है। कंक्रीट एविडेंस क्यों नहीं है, क्यों एटीएस को कंप्लीट एविडेंस ऐसी नहीं मिल पा रही जिससे कि वो 100% ये कह सके कि ये स्पाई है? वजह एक ही है कि जब क्राइम नहीं हुआ तो एविडेंस कहां से आएगी, जब एक्शन नहीं हुआ तो रिएक्शन कहां से आएगा, जब उसने अपना तीसरा फेस शुरू ही नहीं कर पाई, उससे पहले वो एक्सपोज हो गई और एक्सपोज होने से पहले वो 2 महीने अपने आप को हाइड रखती है। आपको समझना होगा कि जब वो 2 महीने अपने आप को हाइड रख रही थी, हाइड रखने के बाद जब वो पकड़ी गई है उसके बाद एक्सपोज हुई, और एक्सपोज होने के बाद एविडेंस, हमें ऐसा लगता है कंक्रीट एविडेंस मिलना बहुत मुश्किल होगा। उसकी वजह भी है क्योंकि आज हमारे पास सीमा और सीमा के बच्चे सचिन मीणा की कहते कुछ फेक आईडी और इनकी स्टेटमेंट को हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान हमारी कोई मदद करेगा नहीं, 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 लेकिन सर इस बात को लेकिन आप मुझे बताइए, मेरा सवाल जो मैं भी सर से पूछ रही थी आरएसएन सिंह साहब से, कि अगर कोई स्पाई के तौर पर आता है तो वो अपने आप को इस तरह से एक्सपोज क्यों करेगा कि मैं पाकिस्तान से आई हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ में आई हूँ, मैं किस तरह से कनेक्ट हुई हूँ, इस रास्ते से आई हूँ, वहां पर मैं रुकी हूँ, आखिर इस पैटर्न को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए आपको ये समझना होगा कि जब वो 2 महीने हाइड थी तब उसने किसी को कुछ बताया था क्या? नहीं बताया था ना। जब वो 2 महीने के हाइड के बाद पकड़ी जाती है, उनकी बेल होती है, बेल में साफ पता चलता है कि वो इलीगल माइग्रेंट हुई है हमारे देश के अंदर, और मीडिया इसको कवरेज करना शुरू करता है, मीडिया कंटिन्यू डिबेट करना शुरू करता है, और हम डे वन जिस दिन से वो पकड़ी गई है डे वन से ये बोलते आ रहे हैं कि इनकी जितनी भी सस्पिशियस मूवमेंट्स हैं, अपने आप को अनपढ़ बताना, अपने आप को 4 बच्चों की कहते माँ बताकर अपने बच्चों को आगे खड़े कर देना, बच्चों से कहते जय श्री राम और कहते हैं जय हिंदुस्तान इस टाइप के नारे लगवाना, और अपनी इंस्टाग्राम पे इस तरीके की वीडियोस डालना जिससे कि हमारे देश के लोग उसके प्रति सिंपैथी ले आए, अपने हस्बैंड को बताना कि मुझे बहुत मारता पीटता था,
मैं संजीव जी, मैं एके सिवाज साहब का रुख करूं, लेकिन एक बात जरूर बताइए, आज का दौर जो है वो सोशल मीडिया का है, आप और हम बहुत वक्त सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर या हमारे स्क्रीन शेयर टाइम रहता है, लेकिन मैं पिछले कुछ टाइम में देख रही थी कि ऐसा लगता है कि सैकड़ों प्रोफाइल सीमा हैदर के नाम से या उसी के इसी कीवर्ड्स के साथ में बन चुकी हैं, तो क्या ये भी एक पैटर्न है और उसमें आपको एक ही तरह की वो सारी चीजें नजर आती हैं? सीमा हैदर बार बार ये कह रही है कि जो रिक्वेस्ट भेजी गई है भाई वो मेरी प्रोफाइल नहीं, वो तो फेक प्रोफाइल है। इस पैटर्न को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि जो ISI एजेंट्स हैं वो हमारे देश में काम कैसे करते हैं। जी, वो 10-15 साल के स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं, उनको कोई इन्वेस्टिगेशन इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली नहीं चाहिए होती है। हाँ। इसने क्या किया, अपने चार बच्चों को लेके आई। हो सकता है कि ये चार बच्चे यहाँ पे कहते हैं शादी करने के बाद इनको एक आइडेंटिटी मिलती है, हिंदुस्तानी बन जाते हैं, कल ये आर्मी में भर्ती होते, भाई 7-8 साल के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं, 10-15 साल के बाद आर्मी में भर्ती होने वाले होते, तो ये एक बहुत बड़ा पैटर्न है, बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन है। संजीव जी, आखिर ये पता कैसे लगाया जाएगा कि आखिर कैसे है, वो जरा आप अपने वो ट्रिक्स को मुझे बताइएगा, लेकिन मैं एके सिवाज साहब का रुख करते हुए, सिवाज साहब ये बड़े इंटरेस्टिंग हो जाता है और बहुत जरूरी भी हो जाता है कि क्या किसी अधिकारी की पहचान करना या फिर पुलिस अधिकारियों को चिन्हित करके कि किसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, किन्हें भेजनी है, किनके वो संपर्क में आ सकते हैं और किस तरह से हनी ट्रैप का वो हिस्सा बन सकते हैं, क्या ये सीमा हैदर के लिए इतना ईजी है? सीमा हैदर को कैसे पता कि किसको अप्रोच करना है, किसके जरिए वो तमाम इंफॉर्मेशन पा सकती है और इंडिया में एंट्री पा सकती है? देखो, बिल्कुल ठीक बोला, ये ऐसा करता है कि ISI इसको हेल्प करता है कि भी ये पोटेंशियल हैं, इनको आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, अगर वहां से कोई जवाब आता है तो फिर आगे बात बढ़ती है। क्योंकि ये जो सचिन था ये जल्दी फंस गया, तो इसको उसने फैटनाइज किया और जिस प्रकार से हिदायतें दी गई हैं फौज के अंदर भी पुलिस में भी कि आपने जो भी फ्रेंड है फेसबुक पे एक्सेप्ट नहीं करना, इसलिए मुझे लगता है उसको कोई सक्सेस नहीं मिली। पर मैं 3-4 बातें बताना चाहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ISI का बहुत गढ़ है नेपाल और इसको ट्रेन करके भेजा है, यहाँ पर बहुत स्लीपर सेल भी है, ओवरग्राउंड वर्कर भी है, उनका पता लगाना, एक पूरे नेक्सस का पता लगाना इसके थ्रू लग सकता है, क्योंकि आप इसका पॉलीग्राफ टेस्ट करें, नेक्रो टेस्ट करें, NIA शुड टेक ओवर द केस, क्योंकि वो है इसके लिए काबिल। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आप बात कर रहे हैं नेपाल भारत की बॉर्डर की, ये बहुत हो चुका, बार बार बताया जा रहा है कि वो पोरस है, वहां से रोंगिया आ चुके हैं 50-60,000, 10-12 लाख के करीब रोंगिया अभी आपके बांग्लादेश में है, वो जाने को वापिस तो जा नहीं सकते म्यांमार, और बांग्लादेश उनको अंदर बढ़ने नहीं दे रहा, वो सब भारत के अंदर घुसने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ वो आ रहे हैं आपके बंगाल से, कुछ ये नेपाल के रूप से, तो आपको ये जो कब तक आप ये बोलते रहोगे ये पोरस बॉर्डर है, इस पे आप फेंसिंग करें, SSP को और हिदायतें दें, तो ये तो कल को कोई भी जिस प्रकार से पार्लियामेंट में अटैक हुआ था तब भी टेररिस्ट वहीं से आए थे, और आपको ये समझना पड़ेगा ये एक छोटी स्पाई नहीं है, ये एक वेल ट्रेन्ड वेल मोटिवेटेड, इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा। ये आपको लगती है फिफ्थ क्लास पास, इंग्लिश जानती है, हिंदी बोलती है, हिंदू राइट जानती है, और ना शक हो तो चार बच्चे लेके आई है, और बिल्कुल ठीक बोला कि इसको अगर छोड़ना बहुत खतरे से खाली नहीं है, इसके थ्रू हमें बड़ा नेक्सस पता लग सकता है, पूरा नेटवर्क जो इसके पीछे है उसका पता लगाना बहुत जरूर है, इसके हैंडलर कौन है पाकिस्तान के अंदर ISI में, इसको किसने मदद दी है नेपाल में, यहाँ पर इसके साथ कौन कौन लोग शामिल हैं, ये पता लगाना बड़ा जरूरी है। और ये अगर जो बता रहे हैं कि 2 महीने तक छुप रही, ये अगर एडवोकेट बुलंदशहर में नहीं रिपोर्ट करता पुलिस में तो ये छुपी रहती, तो शायद हमें पता भी नहीं चलता, पता भी नहीं चलता। और ये मीडिया की खसूसियत है कि मीडिया ने इसको उजागर किया और तब ये सभी की सब, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें झांक के देखना है क्या हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पे हम ध्यान दे रहे हैं। और इस दूसरा जो ये बॉर्डर है इसको बहुत ज्यादा हो गया पोरस बॉर्डर कह के हम इस चीज से नकारा नहीं कर सकते। आप मैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहा, हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड इतना पुख्ता है, उसका कोई फायदा नहीं अगर कोई वही टेररिस्ट नेपाल से इतनी आसानी से आ सकता है, तो ये देखना पड़ेगा आने वाले वक्त में। बहुत टफ भी मुझे लगता है कि इस चीज को सुलझाना, जैसा आपने बताया कि अगर ये वेल ट्रेंड अगर स्पाई है तो उसे तोड़ना इतना इजी नहीं होगा। लेकिन एक ही जैन साहब, अगर कोई व्यक्ति, हमने देखा उत्तर प्रदेश में इस तरह के पहले कई बार मामले सामने आए हैं जहां पर स्लीपर सेल
के तौर पर कई आतंकी संगठनों से जुड़े हुए, उन विचारधाराओं से जुड़े हुए लोग बहुत एक्टिव रहे हैं और जिन पर पिछले कुछ वक्त में एटीएस एनआईए ने बड़े एक्शन भी लिए हैं। सर, अगर यहां पर पहुंचती है सीमा, सचिन मीणा अगर उसके साथ में है, अगर इनके साथ में कोई तस्वीर नजर आती है, तो आपको क्या लगता है आखिर इनकी प्लानिंग किस तरह की हो सकती है जो अभी एक्सपोज होना बाकी है? देखिए, जो अभी तक एटीएस ने जांच की है, अन्य एजेंसीज ने जांच की है, अभी तक इस प्रकार का स्पाइंग का कोई मामला निकलकर सामने नहीं आया है। उन पे बड़ी सतर्क दृष्टि रखी जा रही है, सचिन पर भी और सीमा हैदर पर भी और सचिन की फैमिली पर भी, उन लोगों के ऊपर गांव वालों की, अन्य लोगों की भी निगाह है। नोएडा पुलिस भी उस पर ध्यान रखे हुए है, नोएडा कमिश्नरेट पुलिस, कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो। जो भी उनकी एक्टिविटीज हैं इंडिया में उसको क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है और किया जाना चाहिए। आवश्यकता हो तो लाइट डिटेक्टर टेस्ट है, पॉलीग्राफ टेस्ट है, ये सब भी कराए जाने चाहिए, जिससे कि हम एक बार मुतमईन हो सकें, कंफर्म हो सकें कि हाँ ऐसी कोई गलत बात नहीं है। और मुझे लगता है सर, जो पिछले 3 दिनों से जो पूछताछ की जा रही है उसमें ये सारी बातें जो हैं वो सामने आती भी हैं। लेकिन आरएसएन सिंह साहब, जिस तरह से जैन साहब भी बोल रहे हैं कि फिलहाल अभी अब या तो पॉलीग्राफ टेस्ट या लाइट डिटेक्टर टेस्ट की अगर कोई सुविधा हो तो उसके बाद में उसको आगे बहुत सी चीजें सामने आ सकती हैं। अगर 1% भी, अगर जिस तरह से सीमा हैदर इस तरह से स्पाई के रूप में अगर आती हैं, तो आपको लगता है कि अगर सेल्फ कंसेंट ना हो तो इतना इजी होगा लाइट डिटेक्टर टेस्ट करना या पॉलीग्राफ टेस्ट करना? नहीं, अभी तक क्या खुलासे हुए हैं वो तो केवल एजेंसी ही जानती है और कोई भी आपको ये अभी का खबर बाहर नहीं आएगी उसकी। वो दूसरी बात क्या है, नेपाल की बात कर रहे थे तो आपने देखा था कि ऋतिक रोशन राइट्स किस तरीके से काठमांडू में करवाया था आईएसआई ने, ठीक है ना। तीसरी बात क्या है, ये जो अपने देश में बिल्कुल इस बात जी केसेस होते हैं उसको हम लॉ एंड ऑर्डर के नजरिए से देखते हैं और उसको हमें देखना चाहिए इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेटर। और मुझे लग रहा है सर, इंटरनल सिक्योरिटी एटीएस, यूपी एटीएस हो या एनआईए की टीम हो या फिर जो अन्य एजेंसीज हैं, वो लगातार इस चीज को मॉनिटर कर रही हैं। सर, चर्चा के लिए वक्त इतना ही था। आप सभी मेरे साथ में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर ये कि सीमा हैदर की जो तस्वीर अभी नजर आ रही है, जो तमाम बातें सामने आ रही हैं आर्मी ऑफिसर्स को या फिर पुलिस ऑफिशियल्स को, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, दिल्ली एनसीआर के कई और लड़कों से कनेक्ट करना, उसके बाद में सचिन से प्यार की बात कहते हुए, शादी की बात कहते हुए हिंदुस्तान आना, क्या सिर्फ कहानी यही है? फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं।